भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को दुबई में आयोजित इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट मेल सिंगर और बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया है। एक्टर पवन सिंह के हाथ में दो दो अवार्ड लिए कई तस्वीरें इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रही हैं। फैंस उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं और उनकी तस्वीरों को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। छठे इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 का आयोजन दुबई में हुआ था। इस अवार्ड शो में जहां पहली बार जैकलीन फर्नांडिस शामिल हुई, वहीं हीरो नंबर वन गोविंदा का जलवा भी देखने को मिला। इस अवार्ड शो में रश्मि देसाई भी पहुंची हुई थी। सांसद मनोज तिवारी, जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी स्क्रीन की मोस्ट प्रोमिसिंग एक्ट्रेस अमरपाली दुबे, निर्माता निशांत उज्जवल, निर्देशक रजनीश मिश्रा और पीआरओ रंजन सिन्हा समेत अन्य विभिन्न कैटेगरी में फिल्म जगत से जुड़े लोगों को यहां सम्मानित भी किया गया। लेकिन महफिल तो पवन सिंह ने ही लूट ली। आपको बता दें कि पवन सिंह को जब स्टेज पर बुलाकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अवार्ड दिया तो वे खुशी से फूले नहीं समाए और जैकलीन के लिए गाना गाने लगे और फिर हंगामा मच गया। यानी कि जिनके गानों पर दुनिया थिरकती है वो आज खुद जैकलीन के सामने गाना गाने से खुद को रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि पवन सिंह का ये गाना बहुत पॉपुलर है। 12 साल पुरानी इस गाने को 17 मिलियन व्यूज YouTube पर मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, इस गाने को लंदन में भी काफी पसंद किया जाता है। अक्सर सोशल मीडिया पर भी ये गाना वायरल होता रहता है। मतलब ये हुआ गुरु कि एक बार फिर पवन बन गए हैं नंबर वन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।